हेलो एवरीवन, आई एम विकास शर्मा एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद विकास सर। दोस्तों, आज हम आपके लिए लाए हैं धर्म से संबंधित वोकैबुलरी, रिलीजियस वोकैबुलरी। तो दोस्तों, गेट रेडी एंड लेट्स स्टार्ट। हाँ तो दोस्तों देखिए, पहला शब्द है मंदिर। मंदिर को जैसा कि सभी जानते हैं टेम्पल कहते हैं, लेकिन टेम्पल का एक दूसरा मीनिंग और होता है। बॉडी के अंदर ये जो पार्ट है, कनपटी जिसे कहते हैं, इसे भी टेम्पल कहते हैं। दूसरा देखिए मस्जिद, इसे इंग्लिश में कहते हैं मॉस्क। इसे मॉस्क क्यों नहीं बोलेंगे, इसे बोलेंगे मॉस्क। नेक्स्ट मकबरा, दिखने में ऐसा लग रहा है जैसे लिखा है टॉम्ब। वैसे लोग बोलते भी टॉम्ब है, कोई टॉम्ब बोलता है, कोई टॉम्ब बोलता है, लेकिन इसका जो प्रोनंसिएशन है वो है टूम। जो टॉम्ब टॉम्ब बोलते हैं सब गलत बोलते हैं, यह है टूम। नेक्स्ट देखिए गिरजाघर, चर्च, वेरी इजी। लेकिन इससे रिलेटेड आपको एक दूसरी बात बताएं, क्या चर्च का कोई एडजेक्टिव भी हो सकता है? Yes, इसका एक एडजेक्टिव भी होता है। इसका एडजेक्टिव होता है एक्लेसियास्टिकल। अगर कहीं पर लिखा हो एक्लेसियास्टिकल, इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं इसका संबंध चर्च से है। जैसे कि अगर ये कहें इट इज एन एक्लेसियास्टिकल डिसीजन, इसका मतलब ये चर्च द्वारा दिया गया डिसीजन है। नेक्स्ट गुरुद्वारा, गुरुद्वारे की इंग्लिश गुरुद्वारा ही होती है, गुरुद्वारे की गुरुद्वारा, नो चेंज। संत, संत महात्मा जो होते हैं उनकी इंग्लिश क्या होती है? उनकी तीन इंग्लिश होती है, सेज, सेंट, हर्मिट। सेज होता है कोई भी व्यक्ति जो उपदेश देता हो, उपदेशक, जो अच्छे शिक्षा देता हो। सेंट और हर्मिट ये वो होते हैं जो पुराने जमाने में ऋषि मुनि हुआ करते थे, लेकिन इन दोनों के बीच में थोड़ा सा डिफरेंस है। जो सेंट होते हैं, जरूरी नहीं है कि उसने अपना घर छोड़ा हो। एक ऋषि मुनि जो अपने घर में रह के भी शिक्षा दे रहा है, ऋषि मुनि यज्ञ हवन करते हैं, अपने घर में रह रहा है, वो सेंट है। लेकिन जिसने अपना घर छोड़ दिया हो, वो तपस्या करने के लिए जो जंगलों में चला गया हो, ऐसे ऋषि मुनि को कहते हैं हर्मिट। सो गाइस, नाउ वी मूव टू आवर नेक्स्ट पॉइंट्स। हाँ तो गाइस देखिए, अगला शब्द है मूर्ति। मूर्ति को इंग्लिश में कहते हैं आइडल। आइडल माने मूर्ति, किसी देवी देवताओं की मूर्ति को आइडल कहते हैं। नेक्स्ट मूर्ति भंजक, भंजक का अर्थ तोड़ने वाला। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो धार्मिक उन्माद में आकर देवी देवताओं की मूर्तियों को तोड़ देते हैं, तो ऐसे लोगों को इंग्लिश में क्या कहते हैं? तो गाइस ऐसे लोगों को इंग्लिश में कहते हैं आइकोनोक्लास्ट। आइकोनोक्लास्ट इट्स अ वेरी गुड वर्ड। नेक्स्ट ईश्वर सर्वशक्तिमान है। यदि आपको ये कहना हो ईश्वर सर्वशक्तिमान है, ईश्वर से ज्यादा शक्तिशाली कोई नहीं, तो जनरली हम ऐसे कहते हैं गॉड इज ऑल पावरफुल, या हम ऐसे भी कह सकते हैं गॉड इज ऑल माइटी। लेकिन इसके लिए आपको एक बेहतरीन शब्द बताता हूं, आप यूज कीजिए गॉड इज ओमनीपोटेंट। ओमनीपोटेंट मींस सर्वशक्तिमान। नेक्स्ट देखिए ईश्वर सर्वव्यापी है। ये सर्वव्यापी क्या होता है? सर्व माने सब जगह, व्यापी माने होना, ईश्वर सब जगह है। तो हम क्या कह सकते हैं गॉड इज एवरीवेयर, लेकिन एवरीवेयर की जगह हम यूज कर सकते हैं गॉड इज ओमनीप्रेजेंट, ईश्वर सब जगह है। नेक्स्ट देखिए ईश्वर सर्वज्ञ है। सर्वज्ञ का मतलब ईश्वर सब जानते हैं, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर ईश्वर को सब पता है, तो ईश्वर सर्वज्ञ है।
त्रिकालदर्शी है, तो इसको हम इंग्लिश में क्या कहेंगे? इसको हम इंग्लिश में कहेंगे गॉड इज ओमनीसियंट, ईश्वर सर्वज्ञ है, गॉड इज ओमनीसियंट। नेक्स्ट देखिए, धार्मिक उपदेश, यदि कोई धर्म से संबंधित उपदेश दिया जाए तो इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं रिलीजियस सर्मन। ये जो सर्मन वर्ड है, ये गौतम बुद्ध के लिए बहुत फेमस हुआ है। गौतम बुद्ध ने अपना जो पहला उपदेश है जो कि सारनाथ में दिया था, तो सर्मन वर्ड उससे बहुत जुड़ा हुआ है। वैसे ये किसी भी उपदेश के लिए यूज किया जा सकता है, रिलीजियस सर्मन। तो फ्रेंड्स, नाउ वी मूव टू आवर नेक्स्ट पॉइंट्स। हाँ, तो गाइस देखिए, मठ, मठ को इंग्लिश में क्या कहते हैं? इसको कहते हैं मोनेस्ट्री। मॉन्क्स वगैरह जहाँ रहते हैं, ऋषि मुनि मॉन्क्स, उसको कहते हैं मोनेस्ट्री। नेक्स्ट देखिए, धार्मिक अनुष्ठान, कोई भी धार्मिक अनुष्ठान हो, यज्ञ हवन वगैरह, इस तरह के जो भी धार्मिक अनुष्ठान होते हैं, उनको इंग्लिश में क्या कहते हैं? इनको कहते हैं रिलीजियस रिचुअल्स। रिचुअल्स माने अनुष्ठान। मंत्र, मंत्र को इंग्लिश में क्या कहते हैं? मंत्र को इंग्लिश में कहते हैं इनकैंटेशन। इनकैंटेशन माने मंत्र। नेक्स्ट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, स्वास्तिक। ये जो सिंबल होता है, इस चिन्ह को क्या कहते हैं? बहुत ही पवित्र सिंबल है ये, इसको क्या कहते हैं? इसको इंग्लिश में कहते हैं फिलफॉट। लोकल लैंग्वेजेस में लोग इसे सातिया भी कहते हैं। नेक्स्ट, श्लोक, जो श्लोक बोलते हैं, जैसे कि भगवत गीता में श्लोक्स हैं, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, कर्म किए जाओ फल की इच्छा मत करो, तो इस तरह के श्लोक होते हैं, इनको क्या कहते हैं? इनको कहते हैं इंग्लिश में वर्स। नेक्स्ट, दिव्य ज्ञान, जो ईश्वर का ज्ञान हो, ईश्वरी ज्ञान हो, दिव्य ज्ञान हो, इसे क्या कहते हैं? दिव्य को कहते हैं डिवाइन, और ज्ञान को नॉलेज। तो गाइस, नाउ वी मूव टू आवर नेक्स्ट पॉइंट्स। हाँ, तो गाइस देखिए, ईश्वर के प्रति असम्मान, यदि कोई ईश्वर के प्रति रिस्पेक्ट नहीं दिखाता, ईश्वरी चीजों के प्रति कोई उल्टी सीधी बात बोलता है, तो इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? तो इसको इंग्लिश में देखिए क्या कहते हैं, सैक्रिलिज। एक तो इसको इंग्लिश में कहते हैं सैक्रिलेज, एक और इसके लिए वर्ड है प्रोफेनिटी, एक और है इसके लिए ब्लास्फेमी। सैक्रिलेज, प्रोफेनिटी, ब्लास्फेमी, ईश्वर के प्रति असम्मान जाहिर करना। नेक्स्ट देखिए, शाश्वत आत्मा, इस शाश्वत का अर्थ क्या होता है? जैसे ही कहते हैं आत्मा अजर है, अमर है, कभी नहीं उसकी मौत होती, आत्मा की मृत्यु कभी नहीं होती, अक्सर ऐसा कहा जाता है, जिसकी मृत्यु कभी ना हो, जो लॉन्ग लास्टिंग हो, एवर लास्टिंग हो, तो शाश्वत, शाश्वत आत्मा, इसकी इंग्लिश क्या होती है? इसे कहते हैं परपेचुअल सोल, परपेचुअल सोल। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, मोक्ष, मोक्ष को इंग्लिश में क्या कहते हैं? मोक्ष को इंग्लिश में कहते हैं साल्वेशन, मोक्ष प्राप्त करना, जन्म, जन्म और मरण से मुक्ति, इसे कहते हैं मोक्ष। ब्रह्म ज्योति, ईश्वर की ज्योति, इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? ब्रह्म ज्योति को। इसको कहते हैं डिवाइन लाइट, ब्रह्म ज्योति। नेक्स्ट देखिए, आत्मा की सर्वोच्च अवस्था, वैसे हम सर्वोच्च अवस्था के लिए हाईएस्ट पॉइंट भी यूज कर सकते हैं, लेकिन अगर अध्यात्म की या आत्मा की सर्वोच्च अवस्था हो, अध्यात्म की सर्वोच्च अवस्था, तो इसके लिए यूज करते हैं सर्वोच्च अवस्था के लिए पैरामाउंट, पैरामाउंट स्टेट, स्टेट माने अवस्था, पैरामाउंट माने सर्वोच्च, पैरामाउंट स्टेट ऑफ स्पिरिचुअलिटी।
दोस्तों आपको एक चीज और बताते हैं, इसको आप 24th और 25th के रूप में ले सकते हैं, थीस्ट और एथीस्ट। थीस्ट और एथीस्ट, थीस्ट माने आस्तिक, जो ईश्वर में विश्वास रखता हो। एथीस्ट माने नास्तिक, जो ईश्वर में विश्वास ना रखता हो। तो गाइस आज हमने आपको धर्म से संबंधित वोकैबुलरी बताई। यदि आपको ये अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियोस को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। थैंक यू।